आज डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। वो नेचुरल नंबर जिसका मोर देन टू फैक्टर हो, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो वन और सेल्फ को छोड़ के बाकी एक और नंबर से डिविजिबल हो। मान लो ये एक नेचुरल नंबर है, ये वन से डिवाइड होगा, ए से भी होगा, और ए और वन को छोड़ के और भी कोई इसका फैक्टर आ रहा है या ऐसा कोई और नंबर मिलेगा जिससे ये डिवाइड हो, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे सिक्स, सिक्स वन से होगा, सिक्स से होगा, और ये टू से भी होगा, थ्री से भी होगा, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हुआ। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? फोर। ये वन से डिवाइड हो जाएगा, टू से होगा और फोर से होगा। और इस दुनिया के कोई भी नेचुरल नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं एक नंबर है 15, नेचुरल नंबर। अब 15 को प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 15, क्या हुआ? 5। अब 5 से करते हैं, 5 1 5 1, यानी कि 15 को तो इस तरह से लिख सकते हैं, 15 = 3 × 5 × 1। और इस 15 को केवल इसी तीनों प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं, और कोई ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं मिल सकता जो इस 15 को और दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें। बट इसका ऑर्डर सेम हो ये मैटर नहीं है, लेकिन इतना ये मैटर करता है कि इसमें जितने भी प्राइम नंबर है 3 5 1, बस ये तीनों यही रहेंगे। इसको इस तरह से लिखे 1 × 3 × 5, और इसको 15 को लिखे 3 × 5 × 1, ये दोनों सेम है। इसके ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं बट ये नंबर 3 5 1 ही रहेंगे। इसलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यही बोला गया है कि कोई भी नेचुरल नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, और ये प्राइम फैक्टर यूनिक होंगे। मान लो ये एक नेचुरल नंबर ए है, इसके प्राइम फैक्टर हैं P1 P2 P3, तो P1 P2 P3 के टर्म में ही लिख सकते हैं इसे। अब P4 कोई नहीं आ जाएगा इसमें, बट इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, A = P2 P3 P1 भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थ्योरम नंबर 1.2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर, मान लेते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, और वो प्राइम फैक्टर यूनिक होंगे इसके लिए। मतलब कि मान लो ए के लिए P1 P2 P3 up to PN तक प्राइम फैक्टर हैं, तो इसी P1 P2 P3 up to PN तक के कॉम्बिनेशन में ही इसे लिख सकते हैं, और इसके ऑर्डर चेंज हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑर्डर को छोड़ के केवल इसी प्राइम नंबर के टर्म में इसे ए को लिख सकते हैं। अब यहाँ मान लेते हैं, लेट P1 < P2 < P3 < PN, मतलब P1 सबसे छोटा है, उसके बाद P2 P3 से छोटा है, सबसे बड़ा इसमें PN है। तो इस ऑर्डर में जब लिखेंगे तो A = लिख सकते हैं P1 P2 P3 ... PN।
मान लेते हैं, इसे एग्जांपल से देखते हैं। मान लो ये एक 28 नेचुरल नंबर है और ये कंपोजिट नंबर भी है। तो इस कंपोजिट नंबर को लिखते हैं इसके प्राइम फैक्टर के टर्म में। इसका प्राइम फैक्टर क्या निकलेगा? 2 × 2 × 7। 2 × 2 = 4, 7 × 4 = 28। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 is less than 7, 2 को पहले लिख दें, 2 × 2 × 7। अब 28 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 × 7। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इन द टर्म ऑफ प्राइम नंबर, ये यूनिक होगा इसके लिए। बस यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखते हैं इसका यूज। फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं दो नंबर है, एक है 120 और सेकेंड नंबर है 135। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर को प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखेंगे। 120 का प्राइम फैक्टर करते हैं, कितना कितना आएगा? 2 60, 2 30, 2 15, 3 5। यानी कि 120 को लिख सकते हैं 120 = 2 × 2 × 2 × 3 × 5। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 120 = 2 पे पावर 3 × 3 × 5। अब देखते हैं 135 को फैक्टर निकाल के। 135 फाइव से करते हैं इसे, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35। 3 से निकाल करते हैं, 3 × 9 = 27, फिर 3 से होगा, 3 × 3 = 9। तो यहाँ पे 135 को लिख सकते हैं 5 × 3 × 3 × 3 × 5। या 135 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3³ × 5। अब इसका एच सी एफ निकालना है। तो एच सी एफ के लिए कॉमन देखेंगे, इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या है दोनों में। यह है 120 का फैक्टर, यह है 135 का। जो मैक्सिमम कॉमन दोनों में मिलेगा वही हो जाएगा एच सी एफ। एच सी एफ यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 3, यानी यहाँ पे 3 पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 पे पावर 3 है। तो 3 पे पावर 1 एक कॉमन है, 5 कॉमन है। तो इसका एच सी एफ हो गया 3 × 5, मतलब 15। अब एल सी एम निकालते हैं। एल सी एम क्या होगा? मैक्सिमम पावर वाले को एक साथ लिख देंगे। 2 पे पावर 3 है यहाँ पे, तो 2 पे पावर 3 लिख दिए इंटू। अब 3 पे मैक्सिमम पावर देखें किस में है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा। इंटू 5 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 1 है, तो 5 हो गया। ये हो गया एल सी एम। अब एच सी एफ ये हो गया, एल सी एम हो गया। और इसमें एक रिलेशन होता है, जैसे कि कोई भी नंबर ए एंड बी है, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू मान लो एक्स है, और एल सी एम ऑफ ए एंड बी इसका मान लो वाई है। तो ये एक रिलेशन होता है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब एच सी एफ ऑफ दिस नंबर इंटू एल सी एम ऑफ दिस नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। अभी जो पहले निकाले थे, 120 का फैक्टर क्या था? 2 पे पावर 3
इंटू थ्री इंटू फाइव, 135 का क्या था, 3 पे पावर 3 इंटू फाइव, और यहाँ पे एच सी एफ कितना था, एच सी एफ 2 पे पावर 3, और यहाँ पे 3 कॉमन है तो ये आ गया 3 और 5। एल सी एम कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू फाइव। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये आ जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 3, तो 3 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2। अब एक बार इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी कि 120 इंटू 135, ये आ जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3 और 3, 3 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2। ये जितना है उतने ही ये भी है, इसलिए एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए इंटू बी। अब इसकी हेल्प से कोई भी तीन इसमें गिवेन है, एक निकालना हो तो निकाल सकते हैं। मान लो एल सी एम गिवेन है, ए एंड बी दोनों नंबर है, एच सी एफ निकालना है तो एच सी एफ इक्वल टू ए इंटू बी बाई एल सी एम, एल सी एम निकालना है तो एल सी एम इक्वल टू ए इंटू बी बाई एच सी एफ, बस इतना ही है।